ये रहा मेरा पर्स और इस पर्स में से मैं 1 KD निकाल लेता हूँ। कुछ लोगों को फिल्स के बारे में नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ, फिल्स जैसे कि हमारे इंडिया में इस 1 KD में हम वही चीज़ लेंगे जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। Once again, मोहम्मद रुस्कानी जियर, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि मज़े में और बढ़िया हो गए। आज कुवैत में बारिश हुई है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, हल्की हल्की सी ठंडी आनी स्टार्ट हो गई है कुवैत में। और अभी जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर लोग एकदम दिखते नहीं थे इस टाइम, लेकिन अभी काफ़ी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो धूप निकला नहीं है कुवैत में और यहाँ पर अभी पब्लिक दिख रही है थोड़ी थोड़ी। सो आज क्या ही गए, मौसम इतना बढ़िया हो गया है, आज से मेरे को लगता है कि ठंडी चालू हो जाएगी कुवैत में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग को बताऊँगा कि 1 KD में आप लोग कुवैत में क्या क्या ले सकते हो। ये हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था तो एज ए कंटेंट मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। नाइस कमेंट, ऐसे ही कमेंट किया करो आप लोग, मुझे कंटेंट दिया करो। तो फिर 1 KD लेकर के हम चलेंगे सुपर मार्केट में, मॉल में, वहाँ पर जाकर के देखेंगे कि हम 1 KD में क्या क्या ले सकते हैं। ओके, चलो फिर बताएंगे नहीं दिखाएंगे कि 1 KD में हम कुवैत में क्या क्या ले सकते हैं, अगर हमारे पास 1 KD है तो उस 1 KD से हम क्या क्या खरीद सकते हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते ब्लॉग को, लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। पिछले थर्सडे को मैं यहीं से गुजरा था लेकिन एक भी इंसान यहाँ पर दिख नहीं रहा था। उस थर्सडे को इतनी गर्मी थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो आज हुई है कुवैत में बारिश, कुवैत में बारिश देखने को मिलता ही नहीं है लेकिन आज हुई है और हल्की हल्की सी ठंडी लग रही है मेरे को। आज मेरे को फुल टी शर्ट पहन के आना चाहिए था, तो टी शर्ट से याद आया आज पूरा बैटमैन बना हूँ मैं यार। पहली बार ये टी शर्ट हमने पहनी है और पहली बार आप लोग देख भी रहे हो। सो क्या कहें, पीछे आप लोग देख रहे होंगे कितनी पब्लिक दिख रही है। तो फिर अब कैंपिंग चालू, कुवैती लोग आकर बीच पे आराम से एंजॉय करेंगे। दिख रहा ना, इसमें कुवैती लोग अपना कैंपिंग बना करके आराम से एंजॉय करते हैं। तो अभी ये हल्का हल्का खाली है, बाद में पूरा भर जाएगा। ओके माय डियर किस, सो ये रहा मेरा पर्स और इस पर्स में से मैं 1 KD निकाल लेता हूँ, बाकी अपने पर्स को बैग में रख दूँगा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोग देख सकते हो 1 KD है। ओके, सो ये इंडिया का कुछ 260 या 263 रुपए होंगे। तो इस 1 KD को हम लेकर के जाने वाले भी किस में लेकर जाएं, ग्रांड में लेकर जाएं या लुलू में या काव्यान में, किस में लेकर जाएं? ग्रांड थोड़ा सस्ता पड़ता है, काव्यान उससे भी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन लुलू मेरे को लगता है कुवैत में बड़े लोगों के लिए भैया लुलू में चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं लेकिन ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं। अगर ग्रांड में 1 KD का मिलेगा तो 200 फिल्स लुलू में ज़्यादा रहेगा, तो मेरे हिसाब से लुलू थोड़ा महंगा है, तो हम काव्यान में या ग्रांड में चलेंगे। ओके चल, सो माय डियर फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं ग्रांड में, पीछे दिख रहा था ग्रांड हाइपर, देख लो ग्रांड हाइपर एंट्रेंस। सबसे पहले तो हम बैग को जमा करेंगे, ये बैग लेकर के निकलना पड़ता है हमें, ये सही नहीं है, बिल्कुल ही पब्लिक नहीं है यहाँ पे बिल्कुल ही। आज है थर्सडे तो आज के दिन पूरे पब्लिक मेरे को लगता है बीच पे गई होगी क्योंकि ठंडी हल्की हल्की सी आ रही ना कुवैत में, इसीलिए। तो देख सकते हो पूरा खाली है, कोई नहीं, यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है, बस आपका मत के ब्लॉगिंग कर रहा है। पहले बैग को जमा करते सो ये ग्रांड का काउंटर, यहाँ पर अपने बैग को जमा करेंगे उसके बाद चलेंगे ग्रांड में। ओके, तो एक ये लेते हैं, इसको रखना पड़ेगा सही से। कितना नंबर है? 824 नंबर। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि भाई मेरे को शॉपिंग वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती है, शॉपिंग में पैसा लगता है ना, इसके लिए वीडियो अच्छी लगती है। इस 1 KD में हम वही चीज़ लेंगे जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेंगे, पैसा वेस्ट नहीं करना है भाई। तो आइए शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं लूँगा ये है 50 फिल्स का, ये हमें लगता है रोटी, ये लेंगे सबसे। ये हम लेंगे एक फ्रेश योगर्ट, दही, दो आइटम हुए अभी। और अब क्या लें,
देखते हैं क्या लेते हैं। एक ये चाहिए कॉर्नफ्लोर, ये फ्राई फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपका MFK चेक कर करके ले रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए, तो मशीन यहाँ पे लगा हुआ है, प्राइस देख रहा हूँ, उसके बाद ट्रॉली में डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, एक KD से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो मशीन में चेक कर करके ले रहा हूँ, एक KD के बराबर होना चाहिए पूरा, ना एक KD से ज़्यादा ना एक KD के कम। तो अभी तक हमने जो लिया है वो झाल मोड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या कह लिया दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये मूढ़ी बोलते हैं लाई हमारे लैंग्वेज में, ओके। कॉर्नफ्लोर और ये खबूस और एक योगर्ट और नमकीन, तो 1 2 3 4 5 आइटम लिया अभी तक हमने, तो टोटल आई थिंक 900 फिल्स का हो रहा है। तो इसमें और कुछ जोड़ते हैं पूरा एक KD करते हैं, ओके, क्योंकि हमें एक KD का ही लेना है, ज़्यादा नहीं ना कम नहीं। 90 फिल्स बच रहा है, तो हमें यहाँ पे एक 90 फिल्स का चॉकलेट दिखा, 90 फिल्स सॉब हो गया पूरा एक KD, ओके ओके। कुछ लोगों को फिल्स के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, फिल्स जैसे कि हमारे इंडिया में 1 रुपये में 100 पैसा होता है, वैसे ही कुवैत में 1 KD में 1000 फिल्स होता है, तो इसलिए मैं फिल्स बोल रहा हूँ, गॉट इट। फाइनली हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं बिलिंग कराने के लिए, ओके। तो अगर 5-10 फिल्स इधर उधर हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी, चलते हैं बिलिंग कराने, देखते कितना हुआ है। कौन सा काउंटर खाली है, कौन सा काउंटर खाली है, वो वाला काउंटर खाली है। How much this? 190? There is so 140 fills. What? This one also. 120, 110 fills. ओके, तो फाइनली हमारा शॉपिंग ख़त्म, एक मिस्टेक हो गया छोटा सा, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ओके, क्या मिस्टेक हुआ, शॉपिंग हो गया। हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं वहाँ से सामान ले रहा था तो उसके डिस्प्ले पे प्राइस कुछ और दिखाया, और यहाँ पर आकर के जब मैं बिलिंग करवाया तो प्राइस कुछ और दिखाया, तो इसकी वजह से 100 कुछ फिल्स का मिस्टेक हो गया। तो कोई बात नहीं, चलो एक सामान निकाल देते हैं हम लोग, तो उसमें से चॉकलेट निकाल देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। तो एक KD में हमने टोटल 5 आइटम लिया है, आप लोगों ने देखा, तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर निकलते हैं अपने रूम के लिए, क्या बोलते हो, बाकी सब बढ़िया है, कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा कि नहीं, काफ़ी टाइम लग गया यार, देख देख के सामान लेना पड़ा यार, ये जब देखते ना मैं ब्लॉग करता हूँ तो पब्लिक लोग कैमरे पे चूट पड़ता है। ओ यार ये तो रात हो गया, जाने के टाइम एकदम रात हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी सब बढ़िया है, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, आप खुद आपिश समान है, शिमोन नहीं कर सकता, आप लोग कर दो शिमोन।